और कल एक चीज़ जो बन रही थी सोल्टा, वो आज बन के कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए, इस पे काँखे भी लग चुके हैं। इनको कहते हैं काँखे गढ़वाली। ये पीठ पे लगाने के लिए होते हैं, ताकि इसको पीठ पे लगा सके। और इसमें रखा हुआ पत्थर, ताकि इसका बेस सही से ठीक हो जाए और फ्लैट हो जाए। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज का सीन फिर से वही है गाय के साथ, और अभी मेरी गाय है मेरे पीछे। और आज मैं थोड़ा यहाँ नीचे की बजाय थोड़ा ऊपर की तरफ आया हूँ। अभी मैं आज यहाँ ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी कनाली हो गई है। तो अभी खाना खुना खा के, और अभी तक मैं सोया हुआ था, तो अभी बनाते हैं थोड़ा चाय। अरे चाय बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। और बाहर का मौसम और चाय। अब अभी पीते हैं चाय। और आपने बहुत से चाय लवर देखे होंगे, लेकिन आपने चाय लवर कुत्ता नहीं देखा होगा। यह है चाय लवर कुत्ता। कुछ भी खाने के लिए ले जाओ, नहीं आएगा। लेकिन चाय अगर तुम लाए ना, ये आ जाएगा और यहाँ पे बैठ जाएगा। ओए क्या देना टोमी, क्या देना तेरे को, इधर देख ले। चाय चाय पियो? नहीं, ये अपना चाय लवर डॉग, इसको चाहिए बस चाय, बाकी टाइम ये नहीं आता है सामने पे। अभी मौसम देखिए, बिल्कुल साफ हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, यहाँ गीला देख सकते हो आप, पूरी छत गीली हो रही है तो यहाँ पे। और अभी देखिए पूरा साफ हो गया। तो अभी अगर मैं आपको एक व्यू दिखाऊं यहाँ से त्रिजुगनार का, तो आप देखिए वो कितना प्यारा सा आ रखा है यहाँ मेरे पीछे। और यहाँ देखिए खेतों में काम कर रहे हैं लोग, अपने खेतों में काम कर रहे हैं निराई गुड़ाई का। तो अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर घूमने, और आपको दिखाता हूँ मैं सेब यहाँ पे। देखिए यहाँ पर वो रखे पोलम, वो ये है जीबी पंप में। और अभी मैं आ रखा हूँ अपने घर से बहुत ऊपर, और अभी हम हो गए फिर से जीबी पंप में एंटर। तो वो नीचे दिख रहा मेरा घर, तो वहाँ से आए हम, वहाँ नीचे है अपना घर। और यहाँ आपको बहुत सी चीज़ें दिखेंगी जीबी पंप में, जैसे कैचुआ खाद हो गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे और रखे कूट। तो ये बहुत सारे रोगों के काम आती है। तो अभी जहाँ जहाँ पे हुए हुआ जी बी पंत इंस्टीट्यूट, हिमालय इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट सेंटर। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ अंदर इन्होंने अंदर राजमा बो रखी है, इसके अंदर पॉली हाउस के अंदर, यहाँ देखिए। और यहाँ टेम्परेचर कुछ अलग ही रहता है। और अभी मेरे पीछे देखिए पिच की क्या हालत कर रखी है, गाय भैंस और खच्चरों ने पूरी हालत देखो यहाँ। तो यहाँ पीछे है गाय भैंस खच्चर, तो वहाँ पीछे चल रहे वो, तो उन्होंने ये हालत कर रखी है कुछ अभी। तो यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए वैसे अभी बारिश हुई और इन्होंने इस तरह से कर दिया इसको। तो ये देखिए यहाँ पे इस बार अभी खच्चर भी यहीं पे है, तो क्योंकि इस बार अभी सीजन नहीं चल रहा है तो ये खच्चर फिलहाल घर ही में। तो यहाँ बहुत लोगों की आजीविका केदारनाथ यात्रा पे है, तो लोगों के किसी के खच्चर, किसी की गाड़ी, किसी के लॉज, किसी के कुछ कुछ ना कुछ रोजगार रहता है। तो अभी फिलहाल सबके खच्चर यहाँ घर ही पे है। तो यहाँ देखिए खच्चर यहाँ पे फिलहाल वो भी
लौट मार रहा है, मजे ले रहा हो। अभी मेरे पीछे देखिए यहाँ भी गाय चल रही है, यहाँ ऊपर जंगल में, तो यहाँ पे भी जंगल है, तो यहाँ पीछे पूरा ये जंगल ही जंगल है। और तो ये भी पूरा यहाँ देखिए, और हम यहाँ से जाएंगे अभी फिर से रोड में, तो ये वाला रास्ता मैंने नहीं दिखाया था, तो ये जहाँ से जाता है रोड के लिए। तो अभी हम रोड पे आ चुके हैं, और यहाँ पे है सबसे ख़राब रोड यहाँ, और ठीक यहाँ सामने, तो ये दो जगह हैं जहाँ रोड सबसे ज़्यादा ख़राब है। तो मैं आपको सामने पे जाके दिखाता हूँ कि रोड कैसे ख़राब है वहाँ पे, और यहाँ से नीचे जो मोहल्ला दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो मेरे पीछे है रोड देखिए यहाँ पे, तो ये है सबसे डेंजर स्पॉट, और तो यहाँ देखिए रोड की हालत रास्ते से भी ख़राब है। तो यहाँ पे चढ़ाई के साथ साथ पूरी रोड भी ख़राब है, और सामने देखिए पहाड़ की महिलाएं घास ले जाती हुई। तो अभी हो चुका है शाम का टाइम, और अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए, तो हम वहाँ से वापस आ चुके हैं। तो अभी चलते हैं घर, और अभी पहले दूध लेते हैं आलोक के यहाँ से, और फिर चलते हैं घर, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है। तो आज की वीडियो के लिए रखते हैं बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय देवभूमि। तो यार अभी दूध तो बोतल आ चुका हूँ, तो अभी चलते हैं घर, और अभी देखो कितना अंधेरा हो गया है, सब जगह अंधेरा हो चुका है, फिलहाल अभी चलते हैं घर।